आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल कनिष्का के किचन में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद ही आपने ये पहले सुना होगा, मेथी और गोभी के पकोड़े। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और चूंकि मेथी और साग सब्जी का टाइम चल रहा है तो हमें आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो फिर चलिए हम लोग बनाते हैं मेथी के पकौड़े। सबसे पहले गोभी मेथी पकोड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो गोभी, इसको मैंने काट लिया है पीसेस में। उसके बाद मैंने लिया है एक कटोरी बेसन, फिर मैंने लिया है 100 ग्राम मेथी बारीक कटी हुई। आपको ध्यान रखना है कि जो मेथी है वो बारीक से बारीक काटनी है। तो सबसे पहले मैं बेसन में डाल रही हूँ चंकी चाट मसाला, उसके बाद मैं लूँगी थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद मैं लूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, और उसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, और उसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हमें पानी को थोड़ा थोड़ा डालना है, अगर हम एक साथ ज़्यादा डालेंगे तो जो हमारा बैटर है पतला हो जाएगा। धीरे धीरे पानी डालना है और इसको इस तरह से धीरे धीरे आपको चलाना है इस तरीके से। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी मिलाने के बाद देखिए मैंने इसको अच्छे से चला लिया है और इस तरीके से ये हो गया है। हमें इतना ही टाइट इसको रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। और अभी इसमें नमक भी हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालेंगे तो पानी छोड़ जाएगा। तो मैंने इसमें 3 हरी मिर्च काट लिए क्योंकि अगर हम हरी मिर्च पकौड़े में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च का यूज़ करूँगी। लाल मिर्च मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है। अब मैं इसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी जो मैंने बारीक बारीक काट के रखी थी। उसके बाद मैं इसमें अपनी गोभी डाल दूँगी जो मैंने काटी थी, एंड उसके बाद में मैं अपनी मेथी डाल दूंगी। इस तरीके से आपको सभी चीज़ों को डाल के और मिक्स कर लेना है। मैंने मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें घी डालने जा रही हूँ। अगर आप लोग घी खाते हैं तो आप लोग प्लीज़ घी का ही इस्तेमाल करें क्योंकि जो घी है वो पकौड़े का टेस्ट बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। तो अच्छा है कि आप लोग घी का यूज़ करें। नहीं आप लोग घी यूज़ करते हैं या घी खाते हैं तो आप लोग रिफाइंड में भी बना सकते हैं। मैंने इसमें घी चढ़ा दिया है, घी गर्म होने लगा है। इतने घी गर्म होता है इतने हम इसमें नमक डाल लेते हैं। तो ये मेरे पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो इस तरीके से तैयार हो गया है। अभी मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला, अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करने जा रही हूँ। इस तरीके से आपको इसमें सॉल्ट डाल देना है, अच्छे से स्पून की सहायता से इसको मिक्स कर लेना है। मेरा घी गर्म हो चुका है और मैंने इसमें नमक को भी अच्छे से मिला लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, एक एक करके आप लोगों को इसमें डाल देना है। एक एक गोभी के पीस को उठा के डालना है वरना फिर से जुड़ जाएंगी। हम लोगों को जो गैस है वो मीडियम से सिम के बीच में ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करनी है। उससे क्या होगा कि जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो तो बाहर से तो वो जल जाएंगी लेकिन अंदर से कम्प्लीटली सिकेंगे नहीं। तो जो हमें गैस का जो फ्लेम है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये मैं आपको छोटे छोटे टिप्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इनसे ये छोटे छोटे टिप्स हमारे बहुत काम के हैं और इनसे हमारी जो डिश है वो बहुत अच्छी बनेगी और परफेक्ट बनेगी। अब हमें लगता है कि हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो एक तरफ से सिक चुकी हैं तो इनको बदलने का टाइम आ गया है। इस तरीके से हम इनको बदल लेंगे करछी की हेल्प से। ये हमने बदल लिए हैं, अब इनको इस तरह से सेकेंगे। अब हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से सिक चुकी हैं, अब हम इनको बाहर निकालेंगे। इस तरीके से आपको एक साइड से करके बाहर निकाल लेना है इनको। तो ये हमने बाहर निकाल लिए हैं। देखिए इस तरीके से हमारी जो पकोड़े हैं पूरी तरह से सिक चुके हैं, कितने क्रिस्पी हैं आपको आवाज़ देख पता चल रहा है इस तरीके से।